गार अरसे दराज तक बंद। अब जाहिर है गार जो बंद हो उसमें हशरातुल अर्ज का होना यकीनी, सांप हो, बिच्छू हो और जानवर हो। या रसूल आप ठहरिए, पहले मैं जाता हूं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह, आप ठहर जाइए, मैं जाता हूं। क्यों? मैं सफाई कर दूं। अंदर चले गए और गार का दहाना इतना छोटा कि आदमी खड़े होकर नहीं जा सकता था, बिल्कुल बैठ कर झुक कर। आज भी आप जाकर देख सकते हैं। गए, जितना कूड़ा करकट सब निकाल बाहर कर, बिल्कुल साफ कर दिया अपने आका के। लेकिन अब देखा कि सुराख, कपड़ा फाड़ा, उसमें लगाया, दूसरे में लगाया, तीसरे में लगाया, सारे सुराख बंद कर दिया। आखिर में एक रह गए, उस पर अपनी एड़ी रख दी, आका तशरीफ ले आई। अब मैं यहां एक बात करता हूं, हम चाहते हैं कि रसूल हमारे दिल में आ जाएं। बताओ, आप चाहते हैं रसूल आपके दिल में आ जाएं? चाहते हैं? तरीका मैं बताता हूं। अगर तुम चाहते हो कि रसूल तुम्हारे दिल में आ जाएं, पहले अबू बकर को दिल में बुला लो, पहले अबू बकर को बुला लो, वो सफाई कर देंगे, आका खुद ही आ जाइए। उनका काम ही यही है, गार में पहले गए, सारी सफाई कर दी, जब गार साफ हो गया रसूल तशरीफ ले आए। तो अबू बकर को पहले दिल में बुला लो ताकि वो गंदगी, गुनाहों की ये मैल कुचैल को दूर कर दे। जब तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, आका तशरीफ ले आए। जिस दिल में अबू बकर है उसी दिल में रसूल है, और जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं, रसूल कभी नहीं आ सकते। सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करो, उनको दिल में बसा लो, आका खुद ब खुद तशरीफ ले आए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम चले गए। अब क्या हुआ? सरे मुबारक सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जानू पर रखकर आराम फरमा, उसी सुराख से जहां एड़ी रखी थी सांप निकल रहा। अच्छा, सांप क्यों निकल रहा था? वो भी तो आशिक था ना, वो भी तो देखना चाहता था। आज तो आका तशरीफ लाए हैं, मैं भी जियारत कर लूं। अब दो आशिकों में लड़ाई हो रही, एक आशिक कहता है मैं निकलूंगा, दूसरा कहता है निकलने नहीं दूंगा। सांप को फारसी में कहते हैं मार, मार उर्दू की मार नहीं है। उर्दू की मार तो आप समझते हैं ना, समझते हैं, लगी होगी ना, जब भी तो समझते हैं। अब कोई ऐसा काम नहीं करना दोबारा लगे। उर्दू की मार अलग है, फारसी में सांप को कहते हैं मार, और उर्दू में दोस्त को कहते हैं यार। वो मारे गार था, ये यारे गार थे। वो मारे गार था और ये सिद्दीक अकबर यारे गार थे। दोनों में लड़ाई हो रही है, वो कहते हैं निकलूंगा, कहते हैं निकलने नहीं दूंगा। उसने डंग मारा, जहर फैल रहा, तकलीफ हो रही है, आशिक अपनी जान दे रहा है, समझ रहा है सांप है, मैं जान पे खेल जाऊंगा लेकिन एड़ी नहीं हटाऊंगा, कहीं निकलकर आका को तकलीफ ना पहुंचा दे। कोई और होता तो हटा देता, नहीं, अगर मैंने हटा दी ये बाहर निकला, तकलीफ ना पहुंचा दे। आंसू निकल आए, सरकार के चेहरे मुबारक पर गिरे। अबू बकर क्या है, किस चीज ने तुझे रुलाया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने डस लिया। फरमाया दिखाओ, लोहा पे दहन लगा दिया, सही हो गया। अच्छा, यहां तक तो मिलता है, जब सरकार ने लोहा पे दहन लगाया होगा तो उन्होंने एड़ी हटाई होगी ना, उस बिल पे से, सुराख से एड़ी हटाई होगी, जब भी तो लोहा पे दहन लगा, तो जब हटाई होगी तो सांप निकला होगा, और जब निकला होगा तो उसने क्या किया, जियारत की और चला गया। वो भी तो आशिक था, जियारत की और चला गया।